Vegetarians across the world have taken strong exception to the term fossil fuels. They think that the term is rather crude and have demanded a rollback. We at Jai Hind strongly believe that Akash Ambani needs to be factored in the decision-making process because it's a vicious cycle. And particularly because son-in-law and Sonia-law anagrams. Well, kind of. We can't help it one way or the other. Hello and welcome to Jai Hind, guys. Hello, hello. Finance Ministry कह रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम रुपए 5 तक बढ़ने चाहिए और फिर डीजल के दाम 5 रुपए से बढ़ गए. एलपीजी पर भी कैप लगाया गया. एक साल में एक घर को सिर्फ 6 सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगे. उसके ऊपर जितने भी सिलेंडर्स लगेंगे वो आपको मार्केट रेट यानी कि तकरीबन 800 रुपए प्रति सिलेंडर लेने पड़ेंगे. डरिए मत, एक्स्ट्रा सिलेंडर्स मिलेंगे. बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आपके घर का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के ईयरली डेफिसिट के प्रोपोर्शनल हो. उस पर जयपाल रेड्डी का कहना है कि डिफिकल्ट और पेनफुल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. कई डिफिकल्ट और पेनफुल डिसीजंस तो अब लेने ही पड़ेंगे. खाना पकाकर खाऊं या सब कुछ कच्चा चबा जाऊं या फिर घाट का पानी पीकर वहीं अपनी चिता जलाकर पक जाऊं. लकड़े तक कम दाम में मिलेंगे नहीं बैंचो. चंदन का जमाना तो गया, अब तो टायर से ही काम चलाऊंगा. डीजल के दाम फिर से बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने उनके फ्रेट चार्जेस 15% बढ़ा दिए. यानी हर चीज का दाम बढ़ेगा पर नेक्स्ट ओलंपिक्स में एक मेडल एक्स्ट्रा मिलेगा. आम आदमी ज्यादा भागेगा, खाना कम खाएगा. कम खाने से और ज्यादा भागने से वो चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा और इंडियंस जल्दी ही केनियंस की तरह हड्डी पसली दिखाकर मैराथन जीतने तो क्या मोटिवेशन लेकर भागेगा आम इंसान. पेश है नया डीजल एंथम. बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार. हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी फीट हो उनकी कार. हाँ अब हम ना कार चलावे, चुदे चलो सल महंगा हो जावे, चुदे चलो भले घोर अंधेरा छावे, चलो चलो नहीं थक जावे, दे चलो बन जा वही है पूरी अपनी भर डाली जो डीजल की टंकी. इन्फ्लेशन बढ़ता जावे, चुदे चलो कोई कितना भी खून खावे, चुदे चलो हम ना कार चलावे, चुदे चलो आम आदमी ही मिट जावे, चुदे चलो. घर को अब सिर्फ 6 सिलेंडर मिलेंगे सब्सिडाइज रेट पर. उसके बाद उनको सिलेंडर्स मार्केट रेट पर खरीदने पड़ेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली 800 रुपए प्रति सिलेंडर है. अब भगवान से प्रार्थना करने पर भी 300 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा. भगवान की हालत भी कुछ मीरा कुमार की तरह हो गई है. बैठ जाइए, बैठ जाइए, बोल सकते हैं अपने प्यारे भक्तों को. देने के लिए जो भी था रॉबर्ट वडेरा ले गए, वो भी इंटरेस्ट. पर भैया गैस की न्यूज है और हम एक भी फार्ट जोक ना क्रैक करे ऐसा भला हो सकता है? तो बताइए हाउ मेनी आकाश अंबानीज डज इट टेक टू फार्ट एंड क्रिएट अ होल इन ओजोन लेयर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होल क्रिएटेड इन आम आदमीज पॉकेट ओइंग टू इन्फ्लेशन. 6. अरे 3 each to fart from equally equidistant and opposite sides. Thus the required impact is created and stench is nullified, statistically speaking. Fart jokes में इतना ही? Okay? Yeah? Okay, एक और. Sajid Khan. इससे पहले कि the show becomes any more smelly, let's take a break. Break के बाद काला बबू. बजा.
दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ रिटेल और एविएशन सेक्टर में FDI लाया जा रहा है। इससे भी वैसे कई फायदे हैं। जब आपको एक साबुन की जरूरत होगी तब आप बड़े किसी वॉलमार्ट टाइप मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट में जाकर एक की जगह सस्ते होलसेल रेट में 12 साबुन खरीद पाएंगे। इसी तरह सुपर कूल 12 साबुन को सिर्फ सॉरी 12 साबुन को फिर आप अपने बाथरूम में फेंगशुई नियमों से सजाकर नहा सकते हैं। इसी विषय पर आइए देखते हैं हमारे इन हाउस सूफी सिंगर मजा किरकिरे का क्या कहना है। बड़ा साबुन काला बबून नहा लिया है पूरा FDI रिटेल में आया किसान बना झमूरा बोलो तारा रा रा बोलो तारा रा रा बोलो तारा रा रा बोलो तारा रा रा रोटी कपड़ा मकान का सपना अब रह गया अधूरा बंदर के हाथ लग गया है डॉलर गरीब को मिला तंबूरा बोलो तारा रा रा ओ बोलो तारा रा रा बोलो तारा रा रा ओ बोलो तारा रा रा। हाल ही में US के प्रेसिडेंशियल प्रत्याशी मिट रोमनी जी ऐसा हम नहीं कहते दिग्विजय सिंह ने कहा है का फंड रेजर वीडियो लीक हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि 47% अमेरिकन्स ओबामा को वोट करेंगे और ये वही नालायक निकम्मे लोग हैं जो ना कोई काम करते हैं और ना टैक्स भरते हैं। ये लोग वो हैं जिन्हें सारी सुविधाएं चाहिए गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री में। मिट रोमनी जी ने ये भी कहा है कि इन 47% लोगों की उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। आई डोंट थिंक अमेरिकन्स को इस बयान पर इतना बवाल मचाना चाहिए था। आई मीन ये देखिए हमने अपने यहाँ के लोकसभा MP से बात करके देखिए सुनिए। MP जी नमस्कार, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, आप तैयार हो गए बोलिए। अरे सुमित हम काहे के थैंक यू, बस तुम ही थैंक यू। मैं थैंक यू, तुम ही थैंक यू। तो आपकी क्या राय है कि मिट रोमनी जो कि 47% लोगों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं इस विषय पर? बहुत भले इंसान हैं वो मिट रोमनी जी जो हैं, बहुत भले इंसान हैं। वो भी 47% लोगों की परवाह ना करने पर, वो कैसे? अरे भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80% लोग गरीब हैं और 80% लोग टैक्स नहीं भरते हैं। 50% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, चाइल्ड मोरलिटी रेट्स हाई है, लिटरेसी परसेंटेज हाई है, वोटिंग परसेंटेज 50% से भी कम है, प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं कोई ढंग के, एंड मॉल न्यूट्रिशन परसेंटेज एक्सट्रीमली हाई है। लेकिन हमको देखा है परवाह करते हुए कभी? नहीं ना, क्योंकि हम 100% कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन की परवाह नहीं करते, इसलिए हम ट्रूली और होली सेक्युलर कहलाए जाते हैं। और MP फंड से भी हम अब अपने लिए नई SUV खरीदते हैं, हर साल खरीदते हैं। जनता के प्रतिनिधि का भला यानी कि जनता का ऑटोमेटिकली भला हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ है? और मिट रोमनी जी अगर ढंग से डिमांड करें तो इन 47% में से भी वो 15% डिमांड कर सकते हैं। बस कास्ट कार्ड खेलना पड़ेगा। कास्ट कार्ड अमेरिका में? अरे वही गोरा काला, प्रेसिडेंट का रेसवा जीतना है तो खेलो रेस कार्ड। हम तो ऐसे ही जीत जाते हैं एकदम चुटकी बजा के बस। अब आप वापस अपने जेलवा में जाइए और AC पे लिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दुनिया का 8वां अजूबा। giant, giant.
मिराकल हुआ, मनमोहन सिंह जी बोले, हाँ हाँ भाई पूरे देश के सामने बोले, कोई पूरे के पूरे 10 मिनट से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम स्पीकिंग टू यू टुडे टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली टेकन। लोग सिर्फ प्रसन्न नहीं हुए, कावला बावला गए, लोगों ने मिठाइयां बांटी, पटाखे जलाए, हाँ लोगों की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। ये सब सिर्फ उन्होंने मन्नू जी को बोलते हुए सुना, इसलिए मन्नू जी ने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तुरंत बीजेपी ने बोला कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो पैसे पेड़ पर उगाएंगे और आंध्रा में से एक तेलंगाना उगाएंगे। किसानों को और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चूतिया स्टूडेंट्स को नए एवेन्यूज मिलेंगे। जय जवान जय किसान। मन्नू जी ने दूसरी बात कही कि डीजल पेट्रोल सब्सिडी 160,000 करोड़ है, जो कि हेल्थ एजुकेशन में स्पेंड करते हैं उसे भी ज्यादा। लेकिन टूजी और कोलगेट से कम है। मन्नू जी ने तीसरी बात कही, यूपीए गवर्नमेंट ये आम आदमी की गवर्नमेंट है। इस पर आम आदमी ने कहा, रहने दो भाई, हम पूजा भट्ट के जिस्म से ही खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कहा कि सोनिया गांधी ने फॉरेन में अपने इलाज पर देश के 1800 करोड़ फूंक दिए। कांग्रेस का कहना है ये पैसे इलाज में नहीं, एक हेल्पलाइन खोलने में खर्च किए गए। ये रहा हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर, देखिए 1800 सोनिया, यस सोनिया बचाओ हेल्पलाइन। महाराष्ट्र में पिछले दिनों बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया, दिल्ली के मुकाबले छोटा था, सिर्फ 35,000 करोड़ का इरिगेशन। मतलब कि जब किसान खुदकुशी कर रहे थे तो इरिगेशन मिनिस्टर खुद की खुशी देख रहे थे। मिनिस्टर तो बहुत ज़्यादा टू डायमेंशनल हो गए हैं। हाँ, स्टेट हो सेंटर, दो ही डायमेंशन है हमारा कैबिनेट। एक मैं मंत्री हूँ, दो मैंने झोल किया। इंदौर मिनिस्टर न्यूज, अखिलेश यादव के अंकल और यूपी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर शिवपाल यादव ने अपने सबॉर्डिनेट्स से कहा कि वर्क हार्ड एंड स्टील लिटल। इससे यूपी के सभी मंत्री और ऑपोजिशन जो है वो नाराज हो गए। ये नहीं चलेगा, वी वॉन्ट टू वर्क अ लिटल एंड स्टील अ लॉट, गेट लॉस्ट यू डफर शिवलाल। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आगे देखते हैं एक और पॉलिटिशियन का हास्यास्पद कमेंट और उनकी अपॉलोजी गैंगनम स्टाइल। रैपर साय का सिंगल गैंगनम स्टाइल ने पूरे दुनिया में बवाल मचा दिया। 1 बिलियन से भी ज्यादा हिट्स हो गए हैं इस वीडियो के, सारे चार्ट्स पर ये गाना फिलहाल टॉप पर है और गैंगनम स्टाइल डांस का उल्लेख हर क्षेत्र में किया जा रहा है। वो कुछ इस तरह का है, घोड़ा वोड़ा चला रहा है। जी हां, क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स तक आपने देखा ये डांस नहीं? अरे ये कुछ नहीं है, ओरिजिनल देखो, ये देखो गंगनम स्टार। ओप 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 गंगनम स्टार। ए सेक्सी लेडी, क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बंदे बंदे, क्या चुतिया पा डांस है ये, क्या है ये, हाँ इससे अच्छा तो अपना सनी पाजी डांस कर। बचपन के फिजिकल ट्रेनिंग लेसन्स की याद आ जाती है। मुझे तो लगता है ये साउथ कोरिया का ये गणपति विसर्जन डांस होगा। ऑफ कोर्स विजय माल्या की बायोग्राफी भी है इस डांस में, हॉर्सेस कार्स गर्ल्स एंड चुतियाटिक स्टाइल मारोइंग। ऐसे वीडियो ना विजय माल्या ने बनाया होता यार, तो बस इस वीडियो की कमाई से किंगफिशर एम्प्लॉयज की सैलरी तो बांट सकता था। पर विजय माल्या के नसीब में अब घोड़ों पर कोड़े बरसाने के डांस स्टेप्स नहीं,
सिर्फ कोड़े खाने के दिन। हाल ही में अपने कोल मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल ने बहुत ही हास्यास्पद और विवादास्पद कमेंट किया एक फंक्शन में। उन्होंने कहा हिंदी में कि शादी के कुछ सालों बाद बीवी में वो मजा नहीं रहता। तो लगता है ये अभिषेक मनु सिंघवी और एनडी तिवारी का खास दोस्त है। कांग्रेस की ठरकी तिकड़ी जायसवाल सिंघवी तिवारी। देखो तो इस घटना के बाद बेचारा माफी कैसे मांग रहा है अपनी बीवी से। हाँ नहीं, सुनने में आया है कि उसकी बीवी ने इस कमेंट के बाद उसका जीना हराम कर दिया। कोल मिनिस्टर बेचारा कोयले के चूल्हे जला रहा है अपने ठूंक मार मार के। देखा देखा पोर गाय, ही डज लुक सैड यार। आइए देखते हैं अपने इन हाउस सूफी सिंगर मजा किरकिरे क्या कह रहे हैं इस विषय पर। कोल मिनिस्टर जी, सुमित हजरात, अर्ज किया है कोलगेट स्कैम के बाद भी तुझ में अकल ना आई थोड़ी, रघु से अब बच के रहना, बहन चोद तू तो है करोड़ी। बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा। बूढ़ी हो गई बीवी तो क्या बुलाओगे उसको घोड़ी, तू घर पे पहुंच जा बेटा देख, तेरी टांग ना तोड़ी। बोलो तारा रा रा, 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 बोलो तारा। जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा जायसवाल की अपॉलोजी इन गैंगनम स्टाइल। देखिए Open Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤에 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 강남 스타일. This is how you whip assholes into shape. So, 이시 따라 나시 라호 가데 라호 두니아 키 바자데 라호 제히. She's got a way with people. People always love her. No one can break her heart. She's in love with everyone. And everyone loves her back. Yeah, everyone loves her back. There's a shine in her eyes out of the world. Something in the way she feels about the world. She walks into your heart before she walks through the door. She's everywhere. Yeah, she's everywhere. In the TV, on YouTube, on every wall, on Facebook, in your timeline, and you're in mine. She's still like blue, you know it's true, and you never want her to leave, because she makes you believe.